सदगुरु कबीर साहब ने संसार को अज्ञान अंधकार में डूबते हुए देखकर अपने सत्याग वैराग्य से अमृतोपदेश देकर इस भवसागर में डूबने से बचा लिया और कल्याण दिशा की ओर मोड़ कर लगा दिया, जिसमें सदगुरु कबीर साहब अद्वितीय माने जाते हैं। तो आइए उन्हीं का एक छोटा सा पद है। सद्गुरु रक्षक आप हो, जीवन के आधार। सद्गुरु रक्षक आप हो, जीवन के आधार। दया दृष्टि प्रभु कीजिए, दृष्टि प्रभु कीजिए, भव से लीजे उबार। जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दो देश धाय। जाको सद्गुरु ना मिला, व्याकुल दो देश धाय। आखन सूझे बावरा, घर जरे घोर बुताय। आखन सूझे बावरा, घर जरे भोर बुताय। फिकिर सबई को खात है, फिकिर सबही का पीर। फिकिर सबही को खात है, फिकिर सबही का पीर। फिकिर का फाका जो करे, वाका नाम फकीर। फिकिर का फाका जो करे, फाका नाम फकीर। फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन बस गयो राम। फकीरी में मन बस गयो राम, फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर तन खाक मिलेगा। कहां फिरे मगरूरी में, मन बस गयो राम, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन बस गयो राम, फकीरी में।
मासूम रहना भला बुरा, सबका सुन रहना भला बुरा, सबका सुन लेना। कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, सो सुख नाही, सो सुख नाही अमीरी में। मन बस गयो राम फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, कहीं कबीर, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, कहीं कबीर सुनो भाई साधु। साहिब मिले, साहिब मिले सबूरी में, मन बस गयो राम फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन बस गयो राम फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कुछ साहेब जी विराजमान हो चुके हैं, इसलिए अब सीधे साहेब जी से आपको सबको जोड़ते हैं और गुरुदेव जी के कल्याणकारी विचारों से हम सब लाभान्वित हों, इसके लिए गुरुजी साहब से हम प्रार्थना करते हैं। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु श्री विताल साहेब की एक साखी है, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। संत ही जीव के सहायक है और संत ही जीवों को भवसागर से पार लगाने वाले हैं। संतों को छोड़कर किसी से यह काम नहीं हो सकता और कोई हमारे भूल और कर हमें सच्चा रास्ता दिखा सके और निर्भ्रांत कर सके। आदमी के भटकने के दो कारण हैं, भूल और भ्रम। जिसके अंदर से भूल और भ्रम मिट जाए वह आदमी कभी भटकेगा नहीं और कभी दुखी नहीं होगा।
कोई आदमी उसे कहीं जाना है, रास्ता वो भूल गया, जाना था कानपुर। कानपुर इलाहाबाद से पश्चिम है, लेकिन जा रहा था उत्तर तरफ, रास्ता मालूम नहीं था, भटक गया, भूल गया वह, तो कानपुर तरफ न जा करके चले जाता है फैजाबाद की तरफ। तो यह है भूल जाना। अपनी कोई चीज है, हमने कहीं रख दी है, समय आने पर उस चीज की याद न होना कि कहां पर चीज रखी गई है, यह है भूल जाना। भ्रम क्या है? भ्रम है कुछ का कुछ मान लेना। जो गुण जिस पदार्थ में न हो, वह गुण उस पदार्थ में मान लेना भ्रम है। रास्ते में जा रहे हैं, धुधुलका है, पूरा प्रकाश नहीं है, पूरा अंधकार नहीं है, अंधकार और प्रकाश मिली, जैसे शाम का समय होता है, सूर्यास्त तो हो गया है लेकिन रात हुई नहीं है, या सुबह का समय, रात तो बीत गई है लेकिन अभी सूरज निकला नहीं, धुधुलका है। रास्ते में हम जा रहे हैं, रास्ते से थोड़ी दूरी पर खड़ा है पेड़ का ठूठ, हमने उसे भूत मान लिया या चोर मान लिया, यह है भ्रम, क्योंकि कुछ का कुछ मान लिए। सीपी को देख करके चांदी मान लिए, थोड़ी दूरी है थोड़ी धुंधुलका है, थोड़ी दूर पर एक रस्सी पड़ी हुई थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, हम सांप मान करके भयभीत हो गए। रस्सी में सांप नहीं है, सांप की केवल प्रतीति हो रही है, यह है भ्रम। तो भूल और भ्रम, अपनी वस्तु का ख्याल न होना, सही दिशा का ख्याल न होना भूल है। कुछ का कुछ मान लेना भ्रम है। और दोनों के मूल में है अज्ञान। सही ज्ञान हो जाएगा, सही बोध हो जाएगा, तो न भूल रहेगी और न भ्रम रहेगा। तमाम प्रकार के भ्रम दुनिया में चल रहे हैं। यदि आप लोगों में से कहा जाए कि जिन जिन लोगों ने भूत प्रेत देखा हो, या जिन लोगों को भूत प्रेत दुख देता हो, उसके रास्ते में रोड़ा अटकाता हो, लोग हाथ उठाए, बहुत लोग हाथ उठा देंगे। लेकिन हकीकत क्या है? भूत प्रेत नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, केवल भ्रम। आप कहेंगे साहब शास्त्रों में लिखा है भूत प्रेत के बारे में, भूत प्रेत की योनि होती है, बड़े बड़े महात्मा कहते हैं। तो चाहे किसी शास्त्र में लिखा हो, चाहे कोई महात्मा कहता हो, भूत प्रेत नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ये बताओ, भूत प्रेत होते हैं तो कहां रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, काम धंधा क्या करते हैं, उनका व्यापार, उनका खेती, उनकी नौकरी धंधा का कोई जुगाड़ है या नहीं है? कहीं तो रहते होंगे, तो खाते पीते भी होंगे, काम धंधा भी करते होंगे, उनका परिवार भी होगा, कुछ नहीं है ऐसे। आप लोगों को भूत प्रेत मिलते हैं, तो हम लोगों को भूत प्रेत क्यों नहीं मिलते?
हमारे महात्मा लोग शमशान में भी जाकर के रह लेते हैं और महात्माओं को भूत प्रेत नहीं मिलता। उसी शमशान में गाय का एक बछड़ा रात भर बैठ करके खूब सोता है और पागुर मारता रहता है, भूत और प्रेत उस बछड़े का कुछ नहीं कर सकते। वो बछड़ा कब्र पर ही बैठा हुआ है लेकिन भूत प्रेत तो कुछ नहीं कर पाते। भूत प्रेत कब्रों में तमाम चींटियां रहती है, कीड़े मकोड़े रहते हैं और भूत प्रेत उन चींटियों का कीड़े मकोड़ों का कुछ नहीं कर पाते। और आप जाएंगे तो आपको आपको उठाकर पटक देंगे, रगड़ देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपके मन में भ्रम है। कह सकते हैं भ्रम ही भूत है, भ्रम के अलावा और भूत कुछ नहीं है। मानने से होता है। आप कहीं जा रहे हैं, जाते जाते अंधेरा हो गया, उस गांव में आपका कोई परिचित नहीं है, सोचे गांव में कोई परिचित नहीं, अंधेरा हो गया है, क्या करूं। तो गांव के बाहर आपको एक मकान दिखाई पड़ा, सोचा कि मकान में कोई है नहीं, सुनता नहीं, चलो आज का रात इस मकान में रह लेता हूं। या फिर पीपल का या बरगद का या कोई ऐसे बड़ा पेड़ दिखाई पड़ा, सोचे कि बढ़िया पेड़ है, छाया है, आज रात यहीं रह लेता हूं। आप उस मकान में रह लिए या उस बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे रात निवास कर लिए, खूब गहरी नींद सोए, कोई परेशानी नहीं हुई, सुबह हुई, आप जगे, थोड़ा चले, गांव के दो चार लोग मिले, उन लोगों ने आपसे पूछा कि भैया कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो, तो कहा भैया अमू जगह रहता हूँ, बहुत दूर पर आ रहा था तो थक गया, शाम हो गई, तो गांव के बाहर जो एक मकान है सुनसान खाली पड़ा है वहीं रात रह गया था। या जो गांव के बाहर जो बड़ा पीपल का बरगद का पेड़ है उसके नीचे रह गया था, कहें अरे वहां पर रह गए थे उस मकान में, या उस पीपल के पेड़ में तो रहते हैं भूत, रहते हैं ब्रह्म राक्षस रहते हैं, अब दूसरी रात में आप रह नहीं सकोगे वहां पर, दूसरी रात में रहना होगा ना तो कांप जाओगे, नींद नहीं आएगी। क्यों? भ्रम में दिमाग में भ्रम सवार हो गए। जब तक भ्रम नहीं था, जब तक आपको मालूम नहीं था, सुने नहीं थे कि यहां भूत रहते हैं, तब तक आप बड़े निश्चिंत होकर के सो गए। जैसे सुने कि यहां भूत रहता है, अब दिमाग में भूत सवार हो गया ना, अब वहां पर रह नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक भ्रम नहीं था तब तक तो आप निश्चिंत होकर के सो रहे थे, और भ्रम हुआ तब अब भयभीत हो गए। तो भूत प्रेत कुछ नहीं होते, भ्रम है। कहते हैं कि भूत प्रेत अंधकार में रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, प्रकाश में आने में उन्हें भय क्या है। इसका मतलब यह है जिसके दिमाग में अज्ञान का अंधकार है उसके दिमाग में भूत प्रेत का निवास है। जिसके दिमाग में अंधकार नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, उसके लिए कहीं कोई भूत प्रेत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं साहब हमने भूत प्रेत देखा है, हम जा रहे थे भूत प्रेत रहे हाँ, और भूत के मुंह से धुआं निकल रहा था, तो समझ लेना आज के बाद जिनके जिनके मुंह से धुआं निकलता वो है वो सब भूत हैं। फिर कोई धुआं ना निकालना मुंह से, और ऐसे जो भूत है ना उनकी संगत मत करना, नहीं तो आप बना देंगे, वो तो भूत बना हुआ है, आपको भी भूत भूत आपको भी बना देंगे, भूत बना देंगे। तो कोई मुंह से धुआं ना निकालो, नहीं तो बनोगे भूत बनोगे। अब पता नहीं, हो सकता है यहां भी धुआं निकालने वाला होगा कोई भूत, उनसे मेरा निवेदन है कि अब तक भूत बने तो बने, अब आज के बाद भूत ना बनना, धुआं ना निकालना मुंह से, और किसी को ऐसी सीख मत देना। ग्रह लगन कुछ नहीं होते, ग्रह तो आकाश में है, वे आप पर टेढ़ा हो जाते हैं, टेढ़ा कैसे हो जाएंगे?
आप पर टेढ़ा है तो हम पर सीधा कैसे है? अभी देखो ये मौसम है, हम कितनी भी पूजा कर लें, सूरज की गर्मी जैसी है वैसी रही, कम नहीं होगी ज्यादा नहीं होगी पूजा करने से। पूजा करके घर में जलते हुए दीपक को बुझाया नहीं जा सकता, तो पूजा करके करोड़ों किलोमीटर दूर जो ग्रह आकाश में है उसको सीधा कैसे किया जा सकता है? तो ग्रह टेढ़ा हो गया तो ये हो गया, कुछ नहीं है। ग्रह किसी पर कोई टेढ़ा उढ़ा नहीं होता है, इसलिए ग्रह टेढ़ा है इस चक्कर में भी मत पड़ना। जिस दिन जहां जाना हो वहां आप जाए, शुभ काम करें, अपने मन की भावना पवित्र रखें, शुभ काम करें, और जिस दिन जहां जाना हो वहां जाए। दिशा सुन नाम की कोई चीज नहीं होती। लोग कहते हैं मंगल बुध उत्तर दिशा काला, मंगल और बुध को उत्तर दिशा में जाओगे तो काल है। वैसे तो कहते सब दिशा में मानते दिशा सुन, शुभ शनिचर पूरब न चालू, मंगल बुध उत्तर दिशा कालू, रवि सोम पश्चिम जो जाए, हानि होए पत सुख नहीं पाए, बीफे दक्षिण करे पयाना, फिर ने समझो ताको आना। सुख शनिचर पूरब न चालू, सुख और शनिवार को पूरब मत जाओ। सरकार को कह दो कि सुख और शुक्रवार शनिवार को इलाहाबाद से, कानपुर से, दिल्ली से, मुगलसराय से, बनारस से कलकत्ता के लिए कोई कलकत्ता के लिए कोई गाड़ी छोड़े ना, नहीं सब खतरा हो जाएगा। और मंगल बुध उत्तर दिशा काल, मंगल और बुधवार को उत्तर दिशा में काल है, तो इसका मतलब है इलाहाबाद से मंगल और बुधवार को जो गाड़ी फैजाबाद लखनऊ जाती है ना, सब एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए मंगल बुध को उत्तर दिशा मत जाना, किसी गाड़ी में मत बैठना, और बीफे दक्षिण करे पे आना। और गुरुवार को कहीं दक्षिण गए तो समझ लो घर में लौट करके नहीं आओगे। इसका मतलब यह है सरकार से निवेदन करो कि दिल्ली से गुरुवार को मद्रास के लिए कोई ट्रेन छोड़े ना, बकवास की बात। जिस दिन जहां जाना हो वहां जाओ, भावना पवित्र रखो, कर्म शुभ करो, सब ठीक है। अमुक मुहूर्त में करना है, अमुक मुहूर्त में ये काम करना है, अमुक मुहूर्त में ये काम करना है, अरे मुहूर्त तो सब बढ़िया मुहूर्त है। गोस्वामी जी कहते हैं जन्म मुहूर्त रोग ग्रह तुलसी गिनत न काह, राम भये जही दाहिने सबे दाहिने जाओ। गोस्वामी जी जिसको राम दाहिना हो गया वो सब दाहिना है, उसमें ग्रह लगन की क्या आवश्यकता है? आपका भाग्य जैसा है वैसा है, कोई मुहूर्त कुछ नहीं, कुछ लगन कुछ नहीं, समय देख लो, तिथि देख लो, कर लो बस। घर में बच्चा पैदा होता हो, दिन लिख लो, तारीख लिख लो, जगह लिख लो, समय लिख लो, वो काम आ जाएगा। लेकिन जन्म कुंडली कभी मत बनवाओ। जन्म कुंडली का अर्थ है रोग कुंडली, कुछ नहीं होता जन्म कुंडली, कोई किसी को नहीं जान सकता। कितनी जन्म कुंडली में बड़े बड़े ज्योतिषी लिखे रहते हैं, ये जो बच्चा पैदा हुआ है 80 साल जिएगा, 75 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, 90 साल जिएगा, और 2 महीना में बच्चा मर गया, ऐसी कुंडली बनी उसकी, स्वयं नहीं जान पाए। लड़की और लड़का की शादी करनी हो तो लड़की लड़का की योग्यता देखो, गुण देखो, स्वभाव देखो, चरित्र देखो, कुंडली मिलाने के चक्कर में ना पड़ो। और आजकल विज्ञान का जमाना है, चिकित्सा हो रही है, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। लड़की लड़का शादी कर रहे हो तो जन्म कुंडली ना मिला करके लड़की लड़का के ब्लड का ग्रुप मिला लो। तमाम रोग ऐसे हैं जिनको यदि होता है तो उससे रोग बढ़ सकता है।
स्वभाव मिला, केवल गुण धर्म देखो, योग्यता मिला, कुंडली मिला, चक्कर में क्या पढ़ोगे? कौन किसी कुंडली जानता? कोई ज्योतिषी किसी की कुंडली नहीं जान सकता। गुरु जी प्राय उदाहरण दिया करते थे, बहुत पुरानी घटना है, 50-55 साल से पुरानी। लखनऊ में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उनकी एक ही लड़की थी, और स्वयं ज्योतिषाचार्य पंडित जी बड़े धनवान, बड़े ज्योतिषी थे, तो बड़ा पैसा मिलता था, बड़े धनवान, एक ही लड़की, लड़की उन्होंने खूब लिखाया पढ़ाया, योग्य बनाया, और उनके मन में इच्छा थी कि अच्छे योग्य लड़के से शादी करूंगा। अपनी लड़की जन्म कुंडली खुद बनाया उसने। लड़की जब शादी के योग्य हुई, तब पंडित जी ज्योतिषी महाराज अपनी लड़की की जन्म कुंडली लेकर के लड़का खोजने जाते थे। अनेक लड़के मिले, बड़े योग, बड़ा अच्छा घर घराना, लेकिन जन्म कुंडली नहीं मिलती थी, इसलिए पंडित जी सब घर को लड़कों को छोड़ते चले गए। ऐसा करते करते लड़की की उम्र 27 साल की हो गई, किसी लड़के से कुंडली मिली नहीं। लड़की गुमा जब 27 साल की हुई, तो एक लड़के से एक लड़के की जन्म कुंडली थी, लड़की की जन्म कुंडली मिल गई, बहुत बढ़िया कुंडली मिली। ज्योतिषी जी बड़े खुश हुए, लड़की की शादी में भले देरी हुई, लेकिन अब मेरी लड़की का जीवन बहुत सुख से कटेगा, मेरी लड़की बड़ी सुखी होकर के जीवन जिएगी। उस लड़के से शादी तय कर दिए, निश्चित तिथि को तारीख हुई, शादी हुई, शादी का सारा रस्म पूरा हो गया, फेरे लगना, ये लगना, पानी ग्रहण करना, सब रस्म पूरा हो गया। उसके पश्चात भोजन हुआ, भोजन करने के 2 घंटे के पश्चात लड़के के पेट में दर्द हुआ, और 2 घंटे में वही मृत्यु हो गई। लड़की अपने होने वाले पति का मुख भी नहीं देख पाई, ऐसी कुंडली मिली। ये बेकार की बात है, कोई कुंडली ना मिला। राम और लक्ष्मण, राम और सीता की शादी हुई थी, और शादी का लगन किसने सोचा था? गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और सतानंद, 3 मूर्धन्य विद्वान। और कहते हैं सूर्य मंत्र देना, सूर्य ने स्वयं आकर के अपने सूर्य वंश के अनुसार से मंत्र दिया था। ये तीनों बड़े विद्वान, वशिष्ठ, विश्वामित्र और सतानंद, और तीनों ने मिलकर के राम सीता की शादी का लगन सोधा था। परिणाम क्या हुआ है? सीता हरण मरण दशरथ के विपद में विपद पड़ी, करम गति टारे ना ही टरी। राम और सीता जिंदगी भर दुखी ही दुखी रहे, सुख से जीवन नहीं व्यतीत हुआ। शादी हुई, लौट रहे थे, रास्ते में परशुराम मिल गए। मानस के अनुसार गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि भाई शादी मंडप में पहुंच गए परशुराम, लेकिन ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शादी हो जाने के बाद जब बारात लौट रही थी, तब जनकपुर और अयोध्या के रास्ते में करीब, जब खेत कह सकते हैं आज का बिहार का क्षेत्र, वहीं पर परशुराम से भेंट हुई थी, वहीं पर भी कहा सुनी हुई थी। आए कुछ दिन रहे, 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। वनवास में बड़े कष्ट, उस समय के बहुत बड़े बलवान ने सीता का हरण कर लिया। बड़ी मेहनत करके राम ने चढ़ाई की और लड़ाई की, और रावण पर विजय पाई, सीता को छुड़ाया। छुड़ाने के पश्चात राम सीता के चरित्र पर संदेह व्यक्त करते हैं भरी सभा में, वो भी संकट कटा। लौट करके अयोध्या आए, कुछ दिन ही व्यतीत हुआ, और पूरी अयोध्या में सीता के चरित्र को लेकर के कानाफूसी और संदेह शुरू हो गया। एक दिन महाराज राम शाम के समय बैठे थे, उनके कुछ मित्र थे जो वेतन भोगी थे, उनके मन बहलाने के लिए उन लोगों से राम ने पूछा, बताओ मेरे लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी पत्नी के लिए, भाइयों के लिए, मेरे राज्य व्यवस्था के लिए
जनता में कैसी क्या चर्चा है, लोग क्या कहते हैं। मित्रों ने कहा अब और सब चर्चा बहुत बढ़िया है, एक चर्चा खराब है। कहे क्या? लोग चर्चा कर रहे हैं जो सीता इतने महीने तक रावण के घर में रही, उस सीता को राम ने फिर अपनी पत्नी बना ली। भैया अब हमारी पत्नी भी कहीं चले जाए जाए, दो दिन चार दिन दस महीना बारह महीना चाह जहां आएगी तो हमें फिर पत्नी बनाना पड़ेगा। इस बात को सुन करके राम एकदम सुन्न रह गए, दुखी, एकदम दुखी। सीता अपने मन से रावण के यहां नहीं गई, तो रावण जबरदस्ती ले गया था, और वहां लंका में जाकर भी सीता राम को ही जपती रही और रावण को फटकारती रही, सदैव रावण को फटकारती रही। सीता के चरित्र में कहीं कोई दोष नहीं है, सीता बिल्कुल निर्मल जीवन, निर्दोष, पातिव्रत का उत्तम आदर्श, ऐसे सीता के जीवन में भी अयोध्या वासियों ने लांछन लगाया। जब राम और सीता दोनों जीवित थे, अयोध्या में रह रहे थे, तो अयोध्या वालों ने राम और सीता को बदनाम किया, और जब राम और सीता नहीं रह गए तो अयोध्या में गली गली में घर घर में सीताराम का हो रहा है, जप हो रहा है। ये दुनिया है। मैं ये कह रहा था कि राम और सीता की शादी का लगन तीन बड़े मूर्धन्य विद्वानों ने सोचा था, वशिष्ठ, विश्वामित्र और सतानंद, लेकिन दोनों का जीवन अत्यंत दुखपूर्ण, कौन जानता किसके भाग को। इसलिए ये ग्रह लगन चक्कर में भी बिल्कुल मत पड़ो, किसी ज्योतिषी के पास मत जाओ, कोई ज्योतिषी आपके भाग्य को बता नहीं सकता है। बहुत पुरानी घटना है, करीब करीब आज से 27-28 साल पहले एक बार हम लोग गुरुदेव जी के साथ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में थे, बलौदा बाजार तहसील, अब तो बलौदा बाजार जिला बन गया, उसमें तहसील था। कुछ काम से मैं बलौदा बाजार गया था, अकेले गया था, अब पहली बार वहां गया था। रास्ते रास्ते सड़क में होकर जा रहा था, पीछे से आवाज आई, महाराज जी महाराज जी। मैंने सोचा कि यहां तो मैं पहली बार आया हूं, मेरा कोई परिचित नहीं है, कौन मुझे पुकारता है। फिर चल दिया, फिर आवाज आई, महाराज जी सुनिए। तो मैं रुका, देखा तो सड़क किनारे एक ज्योतिषी अपना पोथी पत्रा रखे हुए, तमाम ताबीज और ये वो तमाम रख करके फैलाए बैठे हुए थे, बेच रहे थे ताबीज, ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र और पोथी पुराण सब रखे थे। ज्योतिषी ने कहा महाराज आइए, मैं आपको पुकार रहा हूँ। थोड़ा सा भय तो हुआ भी, पता नहीं क्या होगा। मैं फिर गया, फिर उन्होंने चादर बिछा दी, पूछे महाराज जी कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, बताया। फिर जब बातचीत हुई कुछ, तो उन्होंने उस ज्योतिषी ने कहा महाराज कुछ हमारे कल्याण की बात बताइए। मैंने कहा सबका कल्याण का बात बताने के लिए आप बैठे हुए हो, लोगों का कल्याण करने के लिए तो अपने बैठे हो, इतने ज्योतिषी लेकर के गंडा ताबीज दुआ भभूत लेकर के, मैं आपका कल्याण मैं क्या बताऊं। अरे जो सबका कल्याण कर रहा हो उसका कल्याण कौन बताएगा। तो ज्योतिषी ने कहा महाराज देखिए बात ऐसी है, घर में इतनी पूंजी नहीं है कि मैं कोई दुकान और कोई व्यापार कर सकूं जिससे कुछ मुनाफा हो, मेरा पेट पले और परिवार वालों का पेट पले। 55-60 साल की उम्र हो गई है, मेहनत मजदूरी कर भी नहीं सकता, और जीवन तो चलाना है, अपना जीवन चलाना है, परिवार वालों का जीवन चलाना है, पैसा है नहीं, व्यापार हो नहीं सकता, शरीर में ताकत है नहीं, मजदूरी कर नहीं सकता, तो करूं क्या। इसलिए मैं आप दो चार पुस्तकें खरीद लिया हूं, थोड़ा सा गुल्ली ताबीज खरीद लिया हूं, फैला दिया हूं, दो चार मूर्ख आते हैं फंसते हैं, मेरा काम चल जाता है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद इस सफाई के लिए आपको। तो ऐसे बेचारे, कोई ज्योतिषी किसी का भाग्य नहीं जान सकता, कोई ज्योतिषी किसी का भाग्य बदल नहीं सकता। आप सुनते हैं
कहते हैं ये ताबीज पहन लो तो ऐसा लाभ मिलेगा, ये ताबीज पहन लो ऐसा लाभ मिलेगा, ये ताबीज पहन लो ऐसा लाभ मिलेगा, ये ताबीज पहन लो जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी। तो मेरा उन ज्योतिषों से कहना है, वो पहले सबसे पहले आप उन ताबीजों को अपने बेटे, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ पहनाओ, ताकि घर में कोई बीमार पड़े ही ना। और ज्योतिषी महाराज की पत्नी है, पत्नी जिंदगी भर है बीमार, अपनी पत्नी की बीमारी को ताबीज पहनाकर दूर नहीं कर रहा है, दूसरों को बेच रहा है ताबीज, ताबीज पहनोगे तो तुम्हारे जीवन कभी बीमारी नहीं होगी, पोल पट्टी ये है। यदि ज्योतिषी के ताबीज को पहनने से रिद्धि सिद्धि मिलती, धन दौलत मिलता ना, तो ज्योतिषी महाराज उस ताबीज को सबसे पहले पहनते, ताकि सब रिद्धि सिद्धि ज्योतिषी महाराज को मिल जाता। 5 रुपए ताबीज बेचने के लिए दोपहर की गर्मी में बैठा हुआ है, जेठ की गर्मी में बैठा हुआ है, अगर सो तो सकते हो। जो ज्योतिषी 10-10 रुपए की ताबीज बेचने के लिए भरी दोपहर में खुली धूप में बैठा है, उस ज्योतिषी की ताबीज से आपका भाग्य बदल कैसे सकता है? इतनी तो बुद्धि का काम लो, विज्ञान का जमाना है। लेकिन भेड़िया धसान, कोई ताबीज पहना है, और कितने लोग इतनी अंगूठियां, कुछ लोग तो अंगूठी पहनते हैं शौक से पहनते हैं, कुछ लोग पहनते हैं अंगूठी के पहनते हैं कोई ग्रह ना लगने पाए, ग्रह तो सब ग्रह ठीक है, अंगूठियों में ग्रहों को बांध करके रखे हुए हैं। इसी इलाहाबाद के एक बहुत बड़े नेता अभी जीवित हैं, सब जानते होंगे, नाम बता दूंगा तो, सब बड़े नेता, अरे मुरली मनोहर जोशी सब जानते होंगे, 9 अंगूठी पहने थे, 9 हाथ में, हाथ न नहीं लेकिन न अंगुली न अंगूठी, अंगूठा में भी पहन सकते हैं। क्यों पूछा किसी ने कि आप 9 अंगूठी क्यों पहने, उन्होंने कहा जानते नहीं हो 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह को उस 9 अंगूठी में बांधे थे और चुनाव में हार गए, एक भी ग्रह काम नहीं कर सका उसका। इतने बड़े 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 ज्योतिषी, इतने बड़े बड़े विद्वान, लेकिन बता दिया किसी ने। तो अंगूठी पहन करके अंगुली को खराब मत करो, ठंडी में ठंडा है गर्मी में गर्मा है, फायदा क्या है? अब अंगूठी पहन करके आप किसी ग्रह को बांध नहीं सकते हो, केवल भ्रम है, केवल भ्रम। निर्भ्रांत बनो, सही विवेक की बात को सोचो, कबीर साहब की वाणियों का पठन करो। यदि आप मन लगा करके ध्यान पूर्वक कबीर साहब की वाणियों का पाठ पठन करें तो आपका भ्रम कुछ महीने में ही कट जाएगा, आधी मुक्ति मिल जाएगी। जो सचमुच में कबीर साहब की वाणी का पाठ करेगा उसको कोई भ्रम रह ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसे समय काटने के लिए पढ़ रहे हैं, कभी पंथ से दीक्षा भी ले लिए किसी गुरु से, और बैग्या के पास भी जा रहे हैं, ओझा के पास भी जा रहे हैं, अंगूठी के पास पहने हुए हैं, ज्योतिषी के पास भी जा रहे हैं, पंडित पुरोहित के पास भी जा रहे हैं। अरे निर्भीक बनो, कहां आप भयभीत हो रहे हैं? आज सचमुच में आप यदि कबीर अनुयायी हैं, आपको कोई भटका नहीं सकता। इसी इलाहाबाद की बात है, पुरानी घटना है, बहुत दिन में हुआ है। हमारे कुछ भक्त आए थे मध्य प्रदेश से, तो वे लोग संगम घूमने आए थे, मेला का अवसर नहीं था, संगम तो यहाँ लोग आते रहते हैं, संगम घूमने आए थे। संगम घूमने आए तो पंडों ने घेर लिया कि बाबूजी ये पूजा करवा लो हम थोड़े में करवा देंगे, कोई बाबूजी ये करवा लो हम थोड़े में करवा देंगे, ना में चलिए वहां पूजा करवा लीजिए। तो बड़े चक्कर पड़ गए, भाई हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग ये सब नहीं मानते, तो नहीं बाबूजी हम थोड़े में कर देंगे, सब पंडे घेर लिए। अब सोचे बड़े चक्कर में पड़ गए, करें क्या, अब पंडे छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो उनमें से भगत ने कहा, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। अच्छा आप लोग ये हैं, तो भैया आप कृपंथी हैं, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, सब छोड़ दिए, बस सदगुरु कबीर की जय बोला है। कैसे अच्छा आप लोग कृपंथी हैं ना, अच्छा आप लोग जाइए, सब छोड़ दिए।
तो ऐसा होता है। तो कबीर साहब की वाणी तो पढ़ो और ये समझ लो, तीर्थ में जाए ना तो किसी पंडित चक्कर में ना पड़ना। हाँ, किसी पंडित के यहाँ रुके हुए हो, किसी पंडित ने आपको निवास दिया है, कोई काम करवाने आए हैं, तो आपका फर्ज बनता है, उन्होंने आपको मकान दिया है, वे आपके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, खिलाने पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो जो दक्षिणा उनकी उचित होती है वो तो दीजिए जरूर। आप कहीं जाते होटल में रहेंगे तब कितना किराया लगेगा, होटल में खाना खाएंगे तब कितना किराया लगेगा, पंडित उससे आधा ही मांगेगा ना, तो कम से कम उसके मकान का किराया, खाने किराया तो इतना तो दो। हाँ, लेकिन पूजा पाठ करवा करके ग्रह कार देंगे ये नहीं होगा। कोई कोई कहता है कि बाबूजी ये पूजा करवा लो, यहाँ पर ये चढ़ा दो, आपकी भावना है चढ़ाओ चढ़ा चढ़ाओ, लेकिन यहाँ इतना चढ़ाओ देव पुण्य होगा, पुण्य होगा, कुछ नहीं होने वाला है। और कह दें कि बाबूजी इतने देवता हैं, अरे इतने देवता के नाम पर कुछ तो चढ़ाओ, तो आप कहते भाई मैं क्या चढ़ाऊँ, अरे कहे बाबूजी एक देवता के नाम पर एक पैसा तो चढ़ा दो। आप कहेंगे अरे एक एक देवता पर एक पैसा तो बड़ा सस्ता सौदा है, और आपने कर लिया संकल्प, ठीक है एक देवता है, चलो मैं संकल्प करता हूँ एक देवता के नाम पर एक पैसा चढ़ाऊंगा। अब 33 करोड़ पैसा कितना होगा, घर द्वार बिक जाएगा है? 33 करोड़ देवता के एक पैसा चढ़ाऊंगा ना, तो 33 लाख रुपया हुआ है, इतनी पूंजी भ्रम में ना पड़ना आप कभी। तो मैं कह रहा था कि किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ना मत, निर्भ्रांत बनो, विज्ञान का जमाना है, अंधी भीड़ देखा देखी इसमें ना पड़ना। तो भूत प्रेत ग्रह लगन दिशा सूर राहु योगिनी और ये जन्म कुंडली, इस सब केवल दिमाग का भ्रम है, इसे कुछ नहीं होने वाला है। और आप लोगों के गांव में जितने भी भूत प्रेत हो, जिन लोगों को भूत प्रेत लगता है, सब के सब यहीं ले आओ, हम लोग संगम में डाले उसमें संगम कर देंगे विसर्जित, कुछ नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ में आज भी टोन ही माना जाता है, टोन ही, टोनहा कम होते हैं, टोन ही ज्यादा होती है, क्यों? सारा कानून बनाने वाले पुरुष लोग हैं, सारे ग्रंथ लिखने वाले पुरुष लोग हैं, इसलिए लिख दिए एक तरफा, न टोन ही न टोनहा, कुछ नहीं होता। ये सब भ्रम में ना पड़ो, जादू कुछ नहीं है, मंत्र कुछ नहीं है। वैसे आप किसी मंत्र का पाठ करते हो करो, क्यों? मन की शुद्धि के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, भावना की पवित्रता के लिए जो मंत्र आप पढ़ते हो उसको पढ़ो। लेकिन अमुक मंत्र का पाठ करेंगे तो ये फल मिल जाएगा, अमुक मंत्र का पाठ करेंगे तो ये फल मिल जाएगा, ये फल मिलने वाला नहीं है, भटक जाएंगे आप। फिर जहां जिसकी निष्ठा है, मैं किसी को पूजा करने से, पाठ करने से, मंत्र जपने से रोकता नहीं हूं, जिसकी जहां निष्ठा है वहां पूजा करे, पाठ करे, मंत्र जप करे, नाम जप करे, लेकिन रोग काटने के लिए नहीं, धन पाने के लिए नहीं, मुकदमा में विजय पाने के लिए नहीं। क्योंकि किसी मंत्र के पाठ से, किसी नाम के जप से, किसी प्रकार की पूजा से न तो आपका रोग कटेगा, न आपको मुकदमे में विजय मिलेगी, न आपका धन मिलेगा, न आपका रोग दूर होगा। उनके लिए मेहनत करो, संयम रखो, परहेज रखो, उचित खान पान रखो, सही ज्ञान। लेकिन सही ज्ञान मिलना भी बड़ा मुश्किल, आपके मन में कुछ भी लोभ आया समझ ले आपको भटकाने वाले मिलेंगे। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत का लोभिया तही घर ठग को बात। साधु कबीर कहते लोभी गांव में ठग उपास नहीं पड़ता है। थोड़ा भी लोभ आपके अंदर आया, थोड़ी कमजोरी आई, तो आपको भटकाने वाले मिल जाएंगे। और अमुक जगह नहीं, अमुक मत में, अमुक पंथ में लोग कहते हैं ये पंडे पुरोहित भटकाते हैं, खाली उनका दोष नहीं है, मुल्ला मौलवी भटकाते हैं, साधु महात्मा भटकाते हैं, पादरी भटकाते हैं, गुरु भटकाते हैं, महंत भटकाते हैं, सब जगह अच्छे लोग हैं और सब जगह गलत लोग हैं। अच्छे लोगों की संगत करो
गलत लोगों की संगत से बचो, सही ज्ञान प्राप्त करो, सही पुस्तकों को पढ़ो और निर्भ्रांत बने, किसी प्रकार का भ्रम दिमाग में न रखें। अब भ्रम तब होगा, जैसे अंधकार तब हटता है जब प्रकाश होता है, ऐसे ही जब मन में ज्ञान होगा तब ये भ्रम मिटेगा। ज्ञानी बनो, शिक्षित बनो और सारे भ्रम से मुक्त होकर के, निर्भ्रांत होकर के, निर्भय होकर के जीवन जियो और निर्भय होकर के काम करो। एक बात और मैं कह देता हूँ, एक घटना याद आ गई फिर बता देता हूँ। आजकल कंप्यूटर का जमाना, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कंप्यूटर आज की टेक्नोलॉजी की देन है, आधुनिक टेक्नोलॉजी विज्ञान की देन। अब कई लोग कंप्यूटर खरीदते भी हैं तब क्या करेंगे, शुरू करेंगे तब लाल चंदन लगा देंगे, बंधन लगा देंगे। अरे बंधन से कंप्यूटर से मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलेंगे और उसमें लाल बंधन का चिन्ह बना देंगे, उससे क्या होने वाला है? तो एक आदमी ने एक कंप्यूटर सेंटर खोला, अच्छा है कंप्यूटर सेंटर होना चाहिए। वो कंप्यूटर सेंटर का करना था उद्घाटन, कई लोग गए थे, मैं भी गया था। तो उद्घाटन में कंप्यूटर तो विज्ञान की देन है ना, और आज की देन है। तो कंप्यूटर को सेंटर के उद्घाटन में पहला कार्यक्रम था गणेश पूजा, क्योंकि मानते हैं गणेश जी की पूजा करेंगे सब विघ्न दूर हो जाएगा। मैंने पूछा, भाई ठीक है आप गणेश पूजा कर रहे हो, बताओ गणेश जी को कंप्यूटर का ज्ञान था? गणेश जी ने कंप्यूटर ही नहीं था तो गणेश पूजा करके क्या करोगे? अरे किसी कंप्यूटर के इंजीनियर को बुलाकर पूजा करो, उसकी तो वो थोड़ा काम कर देगा। तो इतना दिमाग सड़ा हुआ है लोगों का, कब जगोगे? पढ़ रहे हो आज के जमाने में, कोई विज्ञान पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, रहन सहन आधुनिक, खान पान आधुनिक, बात व्यवहार आधुनिक, पनाव पसावा आधुनिक, और दिमाग हजार साल पहले का सड़ा हुआ दिमाग। कब तक दिमाग को सड़ाते रहोगे? आधुनिक दिमाग तो रखो, कुछ तर्क तो करो, कुछ बुद्धि का प्रयोग तो करो, कुछ विचार तो करो, विवेक का प्रयोग तो करो। बस भटकते बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, कब तक बहोगे? बुद्धि से, विवेक से, तर्क से काम लो, सबको आदर दो, सब पर श्रद्धा रखो, लेकिन बुद्धि विवेक से काम लो, सही निर्णय पर को मानो, सही निर्णय से चलो। इस प्रकार से भूल और भ्रम से निर्भ्रांत होकर के सच्चा बोध प्राप्त करो और बोध प्राप्त करके उसका आचरण करो, ताकि भूलना और भटकना दूर हो जाए और हम अपनी मंदिर तक पहुँच सकें। अपनी वाणी के यहीं पर विराम देता हूँ।